क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, 213 इंटू 657 टू द होल पावर माइनस 1 लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि मतलब इसका आपको क्या निकालना है, एक तरीके से इसका रेसिप्रोकल निकालना है। पावर माइनस 1 का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल, ठीक। देखो आपको यहां ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, यहां पर आप क्या करिए, यहां पर आप रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स वगैरह लगा दीजिए। हालांकि अभी आपने नहीं पढ़ा है, बट आप टेंशन मत लो, मैं आपको बताता हूं कैसे होता है। देखो सिंपल, अगर आपके पास टू रैशनल नंबर्स हैं या टू नंबर्स हैं ए इंटू बी ऐसे करके, और इस पर कोई भी पावर लगी हुई है, ठीक, तो ये पावर इसको भी मिलती है, इसको भी मिलती है। लेकिन ऐसा तभी होता है जब यहाँ मल्टीप्लाई का साइन होता है, प्लस होगा तब ऐसा नहीं होगा, ठीक। यानी कि ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक। लेकिन ऐसी गलती मत कर देना आप कि ए प्लस बी का स्क्वायर लिखा है और यहाँ प्लस है और आपने इसको ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर कर दिया, तो ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं हो सकता है। केवल ये रूल तभी वैलिड है, ये पावर ए को बी को तभी मिलेगी जब बीच में मल्टीप्लाई होगा, ठीक। अब ज़रूरी नहीं कि ये पावर पॉजिटिव होती है, अगर यहाँ माइनस टू होता तब भी ये ए को मिलता बी को मिलता, ठीक। तो ए टू द पावर माइनस टू इंटू बी टू द पावर माइनस टू, और यही केस यहाँ पर है। देखिए ए की जगह 213 है और बी की जगह 657 है, तो ऊपर क्या लगा, पावर माइनस वन ए इंटू बी टू द पावर माइनस वन, तो ये पावर 213 को भी मिलेगी इंटू 657 को भी मिलेगी, यानी कि 213 की पावर माइनस वन इंटू 657 टू द पावर माइनस वन। ओके स्टूडेंट्स, तो बस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, 657 टू द पावर माइनस वन, यानी कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि टू नंबर्स का जो प्रोडक्ट है उसका अगर हम क्या निकाल लें, रेसिप्रोकल। पावर माइनस वन का मतलब होता है रेसिप्रोकल, पता है आपको ये बात, ठीक है। तो वो किसके इक्वल होता है, वो उन दोनों नंबर्स के इंडिविजुअली रेसिप्रोकल के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ये वो बताना चाहते हैं, ठीक है। बहरहाल मैंने आपको आसान तरीके से बता दिया।